हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा एक भाषा हिंदी के अंतर्गत सप्ताहवार मौखिक चर्चा दिवस एक में क्या कार्य करना है, इसके विषय में हम इस वर्कशीट में अभ्यास पुस्तिका में देखेंगे। मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है कक्षा एक के अंकुर अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रकाशित हुई है, जिसमें बच्चों को इन चित्रों के माध्यम से अच्छे शिक्षा दी जा सके। किस सप्ताह में कौन सा कार्य करना है, कौन से दिवस में क्या कार्य करना है, मौखिक चर्चा कर बच्चों को समझा सके, इस उद्देश्य से यह पुस्तिका प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तिका के सप्ताह एक दिवस एक की मौखिक चर्चा को करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। देखेंगे हम मौखिक चर्चा, जिसमें चित्र पर चर्चा के बिंदु, चित्र में कौन कौन है, कौन क्या कर रहा है, माँ ट्रे में क्या लाई होगी, दादी जी नानी जी अखबार में क्या पढ़ रहे होंगे, इसके विषय में हमके इस चित्र में देख करके चर्चा करना है, विचार करना है कि इस ट्रे में क्या होगा, इधर नानी दादी अखबार में क्या पढ़ रहे हैं, ये हमें विचार करना है, बच्चों को अवगत कराना है कि इसमें क्या हो रहा है। इसके बाद देखेंगे हम ध्वनि जागरूकता, बोलो जल्दी जल्दी, पीली पतीली पतीला पीला, जल्दी जल्दी बार बार इसको रिपीट करना है, बोलो जल्दी जल्दी, पीली पतीली पतीला पीला, बार बार ऐसे बोलना है, बच्चों को अभ्यास कराना है। इसके बाद आओ कुछ बनाएं, जिस तरह चित्र में दिखाते हैं उस तरह कागज को मोड़े, चित्र में यह चौकोन वाले कागज है तो एक आयताकार कागज लें और उसे पहले आधे में मोड़ें, फिर दूसरे में और फिर चौथाई में मोड़े, आधे में मोड़ना है फिर उसके चौथाई में एक चौकोर का चार भाग करना है, तो इस तरह मोड़ना है। फिर अगला है बिंदुओं को मिलाकर के आकृति बनाइए और रंग भरें, तो बिंदु को ऐसे आप पेंसिल की सहायता से ऐसे आप मिला लेंगे और उसके अंदर कोई भी कलर आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक चौकोर है तो ऐसे आप मिला लेंगे, कलर कर देंगे, इस तरह से आप इसको कलर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम सप्ताह एक दिवस दो में क्या करना है, मौखिक चर्चा है, दिवस एक के चित्र पर अनुमान आधारित है, चित्र पर चर्चा के बिंदु है, दादा नानी बच्चों से क्या बात कर रही होगी, आप अपने घर में किसके साथ सबसे ज़्यादा बात करते हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपके घर में कौन कौन क्या करता है आदि। ध्वनि जागरूकता में बोलो जल्दी जल्दी, पका पपीता पक्कर टूटा, पका पपीता पक्कर टूटा, इसको बार बार रिपीट करना है, जल्दी जल्दी बोलना है। आओ कुछ बनाते हैं, तो यहाँ हम देखें कागज का हवाई जहाज बनाना, बच्चों आपने देखा होगा कागज के हवाई जहाज बनाना, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा घर में, तो इस तरह से आप पहले चौकोर कागज को ऐसे हम मोड़ते हैं, दूसरे चित्र में तीसरे में ऐसे मोड़ते हैं, चौथे में ऐसे, पांचवे में ऐसे, छठवें में ऐसे, इसमें ऐसे, सातवें में और आठवें में इस तरह से मोड़ करके हम कागज का हवाई जहाज बना लेते हैं। बच्चों के साथ मिलकर के गीली मिट्टी की गोलियां बनाई, तो गीली मिट्टी की गोलियां इस तरह बना लेंगे और उसकी गिनती कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बिंदुओं को मिलाकर के आकृति बनाइए और रंग भरें, तो यहाँ आकृति को हमको बिंदुओं में लाना है, एक आकृति बन जाएगी उसमें रंग भर देना है, यहाँ चौकोर वाली आकृति, यहाँ वृत्ति आकार आकृति है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों की ये चीज़ साझा चीज़ बताना भी है। इसके बाद देखेंगे हम सप्ताह एक दिवस तीन में मौखिक चर्चा है, यहाँ चित्र दिया हुआ है, चित्र पर चर्चा के बिंदु है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कौन कौन से रंग है, चित्र में किस रंग की चीज़ें ज़्यादा है, चित्र में कितने बच्चे, गुब्बारे और पेड़ हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चित्र को देख करके देख सकते हैं। तो गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारा बेच रहा है और यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे हैं, फुलझड़ियाँ हैं,
बच्चे गुब्बारे लेने के लिए उत्साहित है। इस तरह से हम चित्र में देख रहे हैं। ध्वनि जागरूकता में बोलो जल्दी जल्दी, कट कट, किट किट, केट केट, कुट कुट, इस तरह बार बार बोलना है। इसके बाद सोचें, समझें और बताइए इन दोनों घरों में क्या क्या अलग है, उन पर घेरा बनाइए। अब देखिए आप यहाँ पर कौन कौन से अलग हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस क्षेत्र में बिंदु नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है, और यहाँ खंड बने हुए इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर दैर्घ्य नीचे बना हुआ है, इसमें नहीं बना है। इस तरह से अलग अलग इसमें, यहाँ देखिए आप बादल के निशान इसमें चित्र में, तो अलग अलग यहाँ पर उनको दिखाई दे। आओ कुछ बना है तो बिंदुओं को मिलाकर के आकृति बनाइए और रंग भरें। तो बिंदुओं को मिलाना है सबसे पहले ऐसे, और उसके बाद में आकृति तैयार हो जाएगी और उसमें रंग भरना है। तो इस प्रकार से हम सप्ताह 3 तक के अंकुर की भाषा के दिवसों को हम ऐसे हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्ग अभ्यास पुस्तिका के सप्ताह वार, दिवस वार वर्कशीट को कंप्लीट करने के चैनल में बन रहे हैं। धन्यवाद।